मैं ये कहना चाहूंगी और एक मैं कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों जो पेरिस में समिट हुआ उसके अंदर हमारे वहां के जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरी सभी सांसद महोदय जो यहां पर हैं उन सब से गुजारिश है कि क्यों ना हम सब एक लेटर लिखकर अपने जो ट्रंप साहब हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि देखिए सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो यूएस से करता है, तो क्यों ना आप उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अभी ब्राजील में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और अमेजोन जो जंगल है उसके अंदर आपको मालूम है कि 905,000 करोड़ का जंगल जो है वहां से वो बिल्कुल भस्म हो गया, बिल्कुल वहां से जल गया। तो देखिए ये फेफड़े हैं हमारे। और मैं इसके साथ अपनी बात को थोड़ा सा दो ही मिनट में खत्म करना चाहूंगी कि मुझे तो बल्कि कई बार कष्ट होता है कि हमारे यहाँ पर सुप्रियो जी बैठे हैं, हमारे यहाँ पर रवि किशन जी, हमारे हेमा मालिनी जी, सब लोग जो हैं वो अलग अलग इससे इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं ये फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। और कोई समय था कि हवा पे कितने गाने बनते थे, था कि भी जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा। हम ये आगे 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 आने वाले समय में कैसे करेंगे सुप्रियो जी? हवा हवा ऐ हवा खुशबू उड़ा दे, अरे अब ये चारों तरफ पोल्यूशन रहेगा तो किस तरह से हम ये, तो मुझे तो बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत चिंता आती है। और जिस तरह से हेमा मालिनी जी ने व्यक्त किया कि वो मथुरा वृंदावन से आती हैं और वृंदावन में उन्होंने बताया कि किस तरह से बंदर जो है उनकी कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है। वृंदावन, वृंदा मैंने तुलसी, वन मैंने वन, अब कहां वो वन रह गए हैं? तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ ऐसा करें। खासकर मेरी एक छोटा सा और सुझाव था कि जो पंचायत है, पंचायत में जो गोचरण की भूमि, जो दो मिनट के लिए आप देखिए, अगर बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ठीक लग रहा है तो आप सुनिए, अभी क्लाइमेट चेंज पर तो बात हुई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वृंदावन जो है तुलसी और वन, और इसलिए उसको वृंदावन कहा गया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्यों ना पंचायत, जो हमारी ग्राम पंचायत है, उन ग्राम पंचायतों में जो गोचरण की भूमि है वहां पर जंगल भी उगाए जाएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक सबके पास छत होगी, सबका मकान होगा, लेकिन हम इसके साथ साथ पक्षियों के मकान को तो हम तोड़ रहे हैं। नमो देवे महादेवे वाय सततम नमा नमा प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड।